हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ इस जिम के थीम का केक शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है और इसका टेस्ट और फ्लेवर तो अमेजिंग था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से केक को बनाना, जो कि बहुत ही सिंपल है पर बनने के बाद ये ऑसम लगा और इसका स्वाद तो अमेजिंग था। तो फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। ये केक जो है वो चॉकलेट फ्लेवर में बनना था, तो ये मैंने 10 इंच के केक टिन में इसे बेक किया है और ये 10 इंच का केक स्पंज है जिसे मैंने बेक किया है। तो ये लगभग 1.5 kg का केक बनके तैयार होगा। तो बस इस तरीके से मैंने स्पंज को बेक कर लिया। अब इसे मैं 3 हिस्से में कट करूँगी, आप चाहें तो 3 से ज़्यादा हिस्से में भी इसे कट कर सकते हैं। तो इसे कट करने के लिए मैंने इस तरीके से नाइफ़ का यूज़ किया है, ब्रेड नाइफ़ है, इसका यूज़ करके मैंने ये कट कर लिया। मैंने 3 लेयर कट किए हैं और 3 लेयर कट करके और केक बनाऊँगी। तो बस तीनों लेयर को अच्छे से कट कर लीजिए, इक्वल कट कीजिए, ये देखिए इस तरीके से। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने टर्न टेबल पर केक बोर्ड रखेंगे और केक बोर्ड रखने के बाद अपना एक लेयर हम उसके ऊपर रखेंगे। आपको जो भी लेयर रखना वो एक लेयर रखिए, उसे फिर आप शुगर सिरप से इस तरीके से सोक कर लीजिए। अब हम लेंगे क्रीम, क्योंकि हमें इसके बीच में क्रीम को फिल करना है। अब इसमें इस तरीके से गनाश ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गनाश मैंने होममेड गनाश बनाया है, जिसमें मैंने हेज़लनट चॉकलेट गनाश है, ये वही सेम प्रोसेस है, चॉकलेट क्रीम और हेज़लनट को मिक्स करके होममेड गनाश तैयार किया और इसे हम अपने क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे और बस इस तरीके से हम इसका लेयर करेंगे। तो जो फर्स्ट लेयर है ना, उसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रीम ले लेंगे। तो बस इस तरीके से क्रीम रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्रीम पसंद है तो आप ज़्यादा क्रीम ऐड कर सकते हैं, और अगर कम क्रीम पसंद है तो आप कम क्रीम भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरीके से क्रीम की एक ना मोटी और ना ही पतली एक अच्छी सी लेयर लगा दी है। तो बस इस तरीके से अच्छे से अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से क्रीम को अच्छे से फैला लीजिए। बस इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालूंगी, जिससे कि हमारा जो केक है और फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो वही है, मैंने चॉकलेट हेज़लनट गनाश जो है वो 3 से 4 चम्मच ऊपर से ऐड करेंगे, ताकि हमारे केक के अंदर से और अच्छा फ्लेवर आए। तो बस इस तरीके से चॉकलेट हेज़लनट गनाश को भी अच्छे से फैला लीजिए क्रीम के ऊपर। और अब हम सेकेंड लेयर को इसके ऊपर रखेंगे। तो बस इस तरीके से सेकेंड लेयर रख दीजिए। सेकेंड लेयर रखने के बाद सबसे पहले हम अपने साइड्स को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रीम को साइड्स में लगाते जाइए और इसके साइड्स के गैप्स को अच्छे से फिल कर लीजिए, ताकि हमारे जो ब्रेड का स्पंज है, मतलब हमारे केक का जो स्पंज है, उसमें जो भी क्रम्स होंगे वो अंदर सेटल डाउन हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इसके साइड्स को अच्छे से भरते चले जाइए, फिल कर लीजिए अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से, और बस अपने केक का एक अच्छा सा लेयर बना करके तैयार कर लीजिए। बहुत ही आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से अपने साइड्स को अच्छे से स्क्रैप कर लीजिए। अब इसके ऊपर वापस से हम क्रीम लगाएंगे। तो बस इस तरीके से क्रीम को अच्छे से फैला लीजिए अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से। क्रीम को अच्छे से फैला लेने के बाद वापस हम उस पर ढेर सारा चॉकलेट हेज़लनट गनाश जो है उसे पोर करेंगे, ताकि इसके अंदर से बहुत अच्छा फ्लेवर आए। जब ये बन के तैयार हो तो इसके अंदर से भी ढेर सारे चॉकलेट का फ्लेवर आए। तो बस सबसे पहले क्रीम को अच्छे से फैला लीजिए, उस पर हेज़लनट गनाश को ऐड कीजिए, उसे भी अच्छे से फैला लीजिए और फैला करके और बस उसे बिल्कुल बराबर कर लीजिए। तो इसके हर लेयर में हम ढेर सारा चॉकलेट हेज़लनट गनाश ऐड करेंगे, ताकि हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। आपको जितना ज़्यादा चॉकलेट पसंद हो, आप उतना ज़्यादा चॉकलेट गनाश इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला लेयर है, हम उसे इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। साइड्स को हम अच्छे से फील कर लेंगे अपने क्रीम से। एक पतली सी लेयर लगानी है हमें, इस लेयर लगाने को क्रम कोटिंग कहते हैं, क्योंकि इसके जो क्रम्स हैं वो सेटल डाउन हो जाए, इसलिए इसको अच्छे से हमें क्रम कोट कर लेना है। अपने केक को हमें अच्छे से क्रम कोट कर लेना है। ऊपर से भी हम अच्छे से एक पतली लेयर क्रीम की लगा करके सारे जो स्पंज के ऊपर जो क्रम्स है उसे अच्छे से सेटल डाउन कर लेंगे। मतलब जो स्पंज के ऊपर जो क्रम्स होते हैं ना, वो क्रीम में ना आए, इसलिए इसे अच्छे से सेटल डाउन कर लेंगे। तो बस इस तरीके से अच्छे से क्रीम केक के स्पंज के ऊपर क्रीम अच्छे से लगा लेना है और इस तरीके से इसे अच्छे से चिकना कर लेना। इस तरीके से इसे अच्छे से
इस तरीके से इक्वल कर लेना है। अब इस वाले लेयर को इस तरीके से जब बन गए तो इसे हम क्रम कोटिंग कहते हैं। क्रम कोटिंग के बाद अपने केक को कम से कम आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र कर लीजिए या फ्रिज कर लीजिए। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए या फिर फ्रीज़र में रख दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऊपर की लेयरिंग है उसे हम करके तैयार करते हैं। तो सबसे ऊपर जो हमारी लेयरिंग है वो है ब्लू रंग के केक की। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्रीम। तो ये देखिए मैंने क्रीम ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे ब्लू कलर। तो बस क्रीम के अंदर एक से दो ड्रॉप ब्लू कलर की ऐड कर दीजिए। ये फूड कलर है जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। तो बस फूड कलर एक से दो ड्रॉप ऐड कीजिए। फूड जेल कलर जो होता है वो कम से कम यूज़ होता है, वो कम से कम में अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप लिक्विड कलर यूज़ करेंगे तो आपको 8 से 10 बूंदें डालनी पड़ेगी। तो मैंने जेल कलर यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब कि ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। तो बस 2 ड्रॉप के करीब ब्लू कलर ऐड कीजिए। अब जो हमारा केक है उसे हम फाइनल टच देते हैं। तो बस इस तरीके से आधे घंटे के रेस्ट के बाद अपने केक के ऊपर क्रीम लगाइए और इसे अच्छे से फैलाइए। अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से आप चारों तरफ लगभग 1/2 इंच के करीब क्रीम को अच्छे से फैलाइए। बिल्कुल इसे स्मूथ करना है तो सबसे पहले पैलेट नाइफ की हेल्प से अपने क्रीम को काफ़ी अच्छे से फैला लेना है, चारों तरफ बिल्कुल इक्वल कर लेना है। बिल्कुल हमारा केक जो है वो ऊपर नीचे या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, तो ये पैलेट नाइफ की हेल्प से ही होगा। पैलेट को बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़िए और इसके साइड्स में भी लगभग 1/2 इंच के करीब हम क्रीम लगाएंगे। अभी हमारा फाइनल टच है जो कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तो बस अपने पैलेट नाइफ का यूज़ करिए और अपने फाइनल टच को बिल्कुल स्मूथ दीजिए। केक को बिल्कुल स्मूथ बनाने की कोशिश कीजिए अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से। तो बस इस पैलेट को धीरे धीरे चलाते जाइए और अपने केक को स्मूथ करते जाइए। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा और अपने पैलेट को आप यूज़ करते हुए केक को धीरे धीरे स्मूथ करते जाइए। यहाँ आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केक बनाने में हाथ बिल्कुल नहीं लगाते हैं। अब इसे कहते हैं स्क्रैपर। स्क्रैपर की हेल्प से अपने केक को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कीजिए। तो बस पैलेट नाइफ की हेल्प लेते हुए और स्क्रैपर की हेल्प लेते हुए अपने हाथों से अपने केक को बिल्कुल स्मूथ करने की कोशिश कीजिए। तो बस इस तरीके से स्मूथ कीजिए और इसके एजेस को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। तो ये बस देखिए इस तरीके से स्क्रैपर की यूज़ से अपने केक के एजेस को बनाने की कोशिश कीजिए। तो बस इस तरीके से स्मूथ एजेस बनाना है, क्रीम के साथ हमें खेलना है फ्रेंड्स। तो बस क्रीम को इस तरीके से स्मूथ करने की कोशिश कीजिए। तो बस आप देखेंगे कि 8 से 10 मिनट में आपका केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गया, उसका बेस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इस तरीके से स्मूथ करते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा स्मूथ करेंगे अपने केक को, आपका केक उतना ही ज़्यादा चिकना और चमकीला होता चला जाएगा और उसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल शार्प होते चले जाएंगे। तो बस इस तरीके से स्क्रैपर की यूज से अपने केक को बिल्कुल स्मूथ बनाते चले जाइए और धीरे धीरे आप देखें कि आपका केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गया। नीचे से भी उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अपने केक बोर्ड को क्लीन कर लीजिए और ये देखिए हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। अब हमें जो डिज़ाइन मिला था उसमें ऊपर से इस तरीके से ब्लू कलर किया हुआ था, तो बस इस तरीके से क्रम्स को मैंने पाउडर फॉर्म में बना करके और ऊपर से इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। तो बस कुछ इसी तरीके से क्रम्स को पाउडर फॉर्म में बनाइए और इस तरीके से छन्ने की हेल्प से हम ऊपर से क्रम्स को फैला लेंगे और ये देखिए हमारा बेस जो है बनके तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो जो भी डिज़ाइन ऊपर बनाना चाहें वो आप डिज़ाइन बना सकते हैं, बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके साइड्स में भी क्रम्स जो हैं वो अपने हाथों की हेल्प से चारों तरफ किनारे किनारे क्रम्स लगा लीजिए और अपने बेस को तैयार कर लीजिए। तो बस कुछ इसी तरीके की डिज़ाइन थी जिसे हमें इसे बनाना था। तो साइड्स को भी इस तरीके से अच्छे से कवर कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा क्रम्स हैं उसे बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर दीजिए, निकाल दीजिए। और इस तरीके से टॉपर लगाया है मैंने क्योंकि ये एक जिम का थीम था, तो बस जिम के टॉपर्स लगा के मैंने इसे रेडी कर दिए हैं। ये केक बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि केक आपको कैसी लगी। इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।